Good morning, prep class. Today is day 11 and our topic is counting in ones. Please take out your mathematic notebook. Okay? Firstly, you write date, CW and day. Then, you also learn 1 to 19 and today you learn 20 to 30. This is 21, 20. You learn the spelling of 20. Firstly, you write 20 and then you write 1. 21, 22. पहले आपने 20 के spelling लिख लेने, फिर आपको 2 के तो आते हैं, तो आपने 2 के भी spellings लिख लेने. इसी तरह 23, 24, 25, 26. मीन्स कि आपने सिर्फ 20 के स्पेलिंग लिखते जाना है और आगे आपने 1, 2, 3, 4, 5 के स्पेलिंग राइट करने हैं. जिस तरह 26 है तो आपने 20 और फिर उसके बाद 26, 6 के स्पेलिंग राइट करने हैं. 27, 28, 29, 30. डे 11 आपने क्या करना है, 20 एंड 30 के जस्ट स्पेलिंग लर्न कर लेने हैं क्योंकि ये स्पेलिंग्स आपके लिए न्यू हैं. अदरवाइज जो 1 2 3 4 ना 1 टू 9 तक आपके स्पेलिंग आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं. स्टूडेंट आपका जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म में आपके 1 टू 30 तक काउंटिंग इन वर्ड्स आती है और 1 टू 100 तक काउंटिंग इन नंबर्स आती है. ये दोनों चीजों पे आप अपनी ग्रिप को अच्छी कर लें. आप बार बार अगर आपको इधर अच्छी तरह से लर्न नहीं हो पाते तो आप बार बार अपने रफ रजिस्टर पर इनकी प्रैक्टिस करें, आप इनके स्पेलिंग्स को लर्न करें. पहले आप 1 टू 10 तक अच्छी तरह से स्पेलिंग लर्न कर लें, फिर आप 11, 12, 13 के स्पेलिंग को अच्छी तरह लर्न करें, फिर आप टीन वर्ड्स को अच्छी तरह लर्न कर लें और उसके बाद आप टी वर्ड्स ही होते हैं. जैसे 20 टी वाई आ गया, 30 में भी टी वाई आ गया, इसी तरह 40, 50, 60, 70, 80, 90. दीज आर कॉल्ड टी वर्ड्स. अगर टी वर्ड्स के स्पेलिंग आप अलग से याद कर लेते हैं तो आपके लिए 100 तक काउंटिंग इन वर्ड्स डिफिकल्ट नहीं रहेगी, आप इजीली उसको लर्न कर लेंगे. और जो काम हम नोटबुक पे जो भी काम होता है वही आपका होमवर्क में भी होता है. आप देखिए क्लास में आपने 20 टू 30 राइट किया है तो आपका यही आपका होमवर्क भी होगा. आपने 2 टाइम इसको लिखना भी है और साथ ही इसको अच्छी तरह से लर्न कर देना है. जैसे कि 2 जो चीजें थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि काउंटिंग इन वर्ड्स 1 टू 30 एंड काउंटिंग इन नंबर 1 टू 100. इसकी बार बार घर में आप प्रैक्टिस करें, जितना आपका ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वही आप इजीली अपनी बुक पे काम कर सकेंगे. थैंक यू प्रेप क्लास.